स्कॉट के फादर का अजीब हालत में मर्डर हो जाता है। उसके तुरंत बाद उसकी मदर ने शादी कर ली थी। उसे लगता है शायद उसके फादर का मर्डर हुआ होगा। इसके पैरेलल में उसका अपनी स्टेप सिस्टर के साथ भी अफेयर चल रहा था और ये मिस्ट्री सॉल्व करने की वो कोशिश करता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फैसिनेशन या 2004 की एक थ्रिलर मिस्ट्री हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको हमेशा आपकी सीट की एज पर रखेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर के फादर को देखते हैं जो एक मिलीनियर थे, अपने डे को एंजॉय कर रहे थे। दिन भर इन्होंने एंजॉय किया और सुबह जल्दी स्विमिंग के लिए चले गए। स्विमिंग करते करते ही उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और वैसे ही उनकी डेथ हो गई। फ्यूनरल पर स्कॉट कहता है, मैं मेरे फादर से बहुत प्यार करता था, उनके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना था, मैं जताना चाहता था कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। उसे बहुत बुरा लगता है कि अब यह सब वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लॉयर प्रॉपर्टीज वगैरह बांट देते हैं। स्कॉट अपने फादर को याद कर कर उनकी सारी चीज़ें देख रहा था। वो जब छोटा था तो वो और उसके फादर एक घर बना रहे थे। वो अधूरा है तो इसे कंप्लीट करने का काम वो करता है। उसकी मदर कुछ दिनों के लिए वैकेशन पर चली गई थी, पर जब वो वापस आए तो ओलिवर को उसके साथ लेकर आती है। ओलिवर उसे क्रूज पर मिला था और तभी इनका प्यार हो गया। वो स्कॉट को बताती है कि ओलिवर एक फ्रेंड है पर वो उससे ज़्यादा था। रात में स्कॉट ने ओलिवर और उसकी मदर को इंटीमेट होता देखा। मदर का नाम है मॉरिन। इस बात से वो डिस्टर्ब हो गया था। अगली सुबह जब वो अपने बोट पर काम कर रहा था तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की को देखता है। इसका नाम था केली। इन दोनों की नज़रों से नज़रें मिली और तभी एक दूसरे को लाइक करने लग गए थे। स्कॉट जाकर उसे अप्रोच करता है, बाहर डिनर के लिए पूछता है, पर केली ने कहा कि मैं ज़रा बिजी हूँ, उसके साथ नहीं आ सकती। पर इन दोनों में बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हुई थी। नेक्स्ट सीन में हम डायरेक्टली ओलिवर, मॉरिन और स्कॉट के साथ केली को भी देखते हैं। एक्चुअल में मॉरिन ही ओलिवर की बेटी थी। इससे स्कॉट सरप्राइज्ड हो गया। आज डिनर पर मॉरिन और ओलिवर ये अनाउंस करते हैं कि दोनों शादी करने वाले हैं। इस बात से स्कॉट डिस्टर्ब हो गया और यहाँ से गुस्से में चला जाता है। उसकी मदर उसके पीछे पीछे गई तो स्कॉट ने कहा कि तुम ऐसे कर कैसे सकती हो। मॉरिन ने कहा कि तुम्हें शायद लगता होगा कि तुम्हारे फादर बहुत ही परफेक्ट थे, पर वो इतने परफेक्ट भी नहीं थे। मैं इस शादी में बहुत सालों से खुश नहीं थी, अब फाइनली मुझे एक चांस मिला है, तुम इसे जाने नहीं दे सकती। स्कॉट इस पर कुछ भी नहीं बोलता। वो रात में सी के पास आकर बैठा तो उसके पास केली भी आती है। स्कॉट उसे अपने फादर की डेथ के बारे में बताने लग गया। वो कहता है, मेरे फादर 1964 के ओलंपिक चैंपियन थे स्विमिंग में, और स्विमिंग करते हुए उनकी डेथ हो गई, ये कैसे पॉसिबल है। केली भी उसे समझ लेती है और अपनी मदर की डेथ के बारे में बताती है। कहती है कि उसे डायबिटीज था, एक दिन इंजेक्शन की ओवरडोज की वजह से उसकी डेथ हो गई। उस वक्त मेरे फादर घर में ही थे, पर ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। पर अजीब बात यह थी कि मदर को गुजर जाने को एक ही मंथ हुआ था और अपनी नई गर्लफ्रेंड को अपने घर में लेकर आए। ये बात स्कॉट को भी अजीब लगती है। वो अपनी मदर पर और भी ज़्यादा शक करने लग गया था। जब सुबह उसकी मदर बाहर गई तो सारे रूम को चेक कर रहा था। केली देखकर उसके पास आए, कहा कि ये सब करना बंद कर दो, तुम्हें अपनी मदर पर शक नहीं करना चाहिए। मैंने भी मेरे फादर को बहुत ब्लेम किया था, पर जो भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्कॉट जिस घर पर काम कर रहा था वो देखने के लिए उसकी मदर और ओलिवर आए। ओलिवर कहता है, यहाँ पर जगह तो बहुत ही अच्छी है, यहाँ पर डेवलपमेंट होनी चाहिए। स्कॉट कहता है कि मेरे फादर को यहाँ पर कुछ भी चीज़ें कमर्शियल नहीं करनी थी और वैसे ही ये सब चीज़ें रहेगी। नेक्स्ट सीन में स्कॉट और केली जब अकेले थे तो घर वो क्यों बिल्ड कर रहा है इसके बारे में उसे बताता है। अपने फादर को बहुत मिस करता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम डायरेक्टली ओलिवर और मॉरिन इन दोनों की शादी देखते हैं। इससे स्कॉट बाहर निकल आया। उसके पीछे पीछे केली भी आती है। वो उसे किस करने लगी, कहती है इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। यही पर इंटीमेट हो जाते हैं। रात में दोनों एक पार्टी में आए जहां पर केली से एक आदमी बदतमीजी करता है तो उसे वो बाइट कर लेती है। केली के साथ अगर कोई गलत करे तो उसे जाने नहीं दे सकती। अब थोड़े दिन बीत गए और ये हमेशा एक दूसरे के साथ ही टाइम स्पेंड करते थे। एक रात अचानक से केली के चेस्ट में पेन हुआ। स्कॉट उसे हॉस्पिटल में लेकर जाता है। डॉक्टर से इन्हें पता चला कि कुछ पिल्स लेने की वजह से हुआ है। केली को ऑलरेडी ब्लड प्रेशर था, उसमें उसने एक गोली ली जो मॉरिन ने उसे दी थी। ये बात सुनकर स्कॉट को एक बात क्लिक हुई कि अगर उसके फादर ने भी यही गोली ली होगी तो शायद इस वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है। उसने अपने फादर की चीज़ों में सेम गोली देखी हुई थी। इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे पता चला कि एक हर्बल गोली है, यह आसानी से उसकी मदर को मिल सकती है। और उसे एविडेंस की ज़रूरत थी कि एक्चुअल में उसके फादर ने गोली ली थी, तो अपने लॉयर फ्रेंड को कॉल करता है। उसने कहा कि मेरे फादर की ग्रेव को हम डिग करेंगे और उससे तुम टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट निकालना। पहले तो लॉयर फ्रेंड इसके लिए मना कर रहा था, पर रात में जाकर ये बॉडी को निकाल लाते हैं।
स्क्वाड की मदर के बाहर जाने के बाद उसका पूरा रूम वो देख रहा था। इसमें उसे कुछ फोटोज मिली। फोटोज देखती है तो बैकग्राउंड में उसके फादर का होटल था। स्क्वाड फिगर आउट करता है कि जब उसके फादर जिंदा थे तभी से उसके मदर का ऑलिवर के साथ अफेयर है। इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। उसे लग रहा था कि शायद ऑलिवर और उसकी मदर ने मिलकर उसके फादर को मार डाला। इस बात से केली को भी बहुत बुरा लगता है। रात में जब ये दोनों हैंग आउट कर रहे थे तो स्क्वाड कहता है, मेरे फादर हमेशा से इतने अच्छे नहीं थे। मैं जब छोटा था तो उनका लाइफस्टाइल बहुत अलग था। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक किया करते थे। एक रात ड्रिंक कर वो अपनी सेक्रेटरी के साथ घर आ रहे थे तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी पानी में चली गई, वो तो बच गए थे पर सेक्रेटरी की डेथ हो गई। इसके बाद से उसके फादर सुधर गए थे। इसी फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जो सेक्रेटरी की डेथ हुई थी ये मेरी मदर थी। केली ने अपनी मदर के बारे में उसे जो भी बताया ये सब कुछ झूठ था। स्कॉट इन दिनों में केली से बहुत ज्यादा प्यार करने लग गया था। उसके लिए एक ब्यूटीफुल सी पोएम भी लिखता है। ये पढ़कर केली की आंखों में आंसू आ गए थे। एक दिन सब मिलकर जब लंच कर रहे थे तो स्कॉट बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करता है। उसे अभी अभी पता चला था कि एक्चुअल में उसके फादर ने वो गोली ली थी, इसी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया था। वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। केली को भी इसके बारे में उसने बता दिया। नेक्स्ट दिन में मॉरिन केली के पास आए। वो कहती है, ये शादी मेरे लिए एक हैप्पीनेस है। क्या स्कॉट ये चीज समझ नहीं पाता? केली ने कहा कि वो समझने की बहुत कोशिश कर रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिन में मॉरिन जब ऑलिवर के साथ थी तो उसे कहती है, हमें उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था कि हमारा अफेयर बहुत दिनों से है। इसका मतलब स्कॉट का शक सही था। केली जब स्कॉट के पास आई हुई थी तो उससे कहती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ पर मुझे एक बात कन्फेस करनी है। मेरी मदर की डेथ डायबिटीज की वजह से नहीं हुई थी। एक्चुअल में तुम जब छोटे थे तुम्हारे फादर का जो एक्सीडेंट हुआ था उस एक्सीडेंट में सेक्रेटरी मेरी मदर थी। इस बात से स्कॉट डिस्टर्ब हो गया। सारी चीज़ें वो फिगर आउट करने लगता है। वो कहता है, तुम्हारे फादर को मेरी मदर के बारे में हमेशा से पता था। उसी ने मिलकर सब कुछ ये प्लान बनाया होगा। क्या तुम भी इसमें इन्वॉल्व थी? वो गुस्से में यहाँ से जा रहा था पर केली उसे जाने नहीं देती। वो कहती कि प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो, मैंने कुछ भी नहीं किया था। ये दोनों फिर इंटीमेट हो गए। अगली सुबह ऑलिवर का फोन कॉल स्कॉट सुनता है। ऑलिवर एक्चुअल में इस आइलैंड पर कुछ बिल्ड करने वाला था पर स्कॉट ने इससे उसे मना कर दिया। वो गुस्से में अपनी मदर के पास आया। कहता है, मैं प्रॉपर्टी तुम्हें सेल नहीं करने दूंगा। मुझे पता है कि तुम्हारा और ऑलिवर का पहले से अफेयर था। क्या तुम दोनों ने मिलकर फादर को मार डाला? मेरे पास रिपोर्ट है, ये तुम्हें भी मिल जाएंगे। गुस्से में यहाँ से वो चला जाता है। इसी के पैरेलल में केली ऑलिवर से मिलने के लिए आई हुई थी। वो कहती है, हम जो भी सब चीज़ें कर रहे हैं ये हमें स्टॉप करनी पड़ेगी। ऑलिवर कहता है कि सब कुछ तुम्हारा प्लान था, अब तुम्हें जो सही लगे वही हम करेंगे। उसके साथ लास्ट टाइम डांस करना चाहता था और डांस करते वक्त किस कर लेता है, हमें आगे पता चलेगा। एक्चुअल में ऑलिवर एक केली का फादर नहीं था। जब वो 14 ईयर्स की थी तब उसने उसे अडॉप्ट किया था और तभी से इन दोनों में संबंध है। केली ने जब अपनी मदर की डेथ के बारे में ऑलिवर को बताया था तभी से उसने प्लान करना स्टार्ट कर दिया था। बदला लेने के लिए यहाँ तक वो पहुँच आए थे। नेक्स्ट डे में ऑलिवर मॉरिन को स्कॉट जो घर बिल्ड कर रहा था वहाँ पर लेकर आता है। मॉरिन भी अब ऑलिवर पर शक करने लग गई थी। ऑलिवर कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ उसकी इमेजिनेशन है। उसने यहाँ का गैस ऑन कर दिया और मॉरिन को एक सिगरेट देता है। कहता है कि तुम रिलैक्स करो और वो फिर बाथरूम में चला गया। वो बाथरूम की खिड़की से निकल जाता और मॉरिन की डेथ हो जाती है पर एक खिड़की खुलती ही नहीं। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। स्कॉट और केली इन दोनों को हॉस्पिटल में बुलाया जाता है। केली बहुत फास्ट ड्राइव कर हॉस्पिटल में आ रही थी तो उसे ट्रैफिक का टिकट मिल जाता है। हॉस्पिटल में आने के बाद ऑलिवर बहुत ज़्यादा जख्मी था। वो उसे कहती कि तुम्हें यह सब करना नहीं चाहिए था, मैंने तुम्हें पहले ही रुकने के लिए कहा था। गुस्से में उसने ऑलिवर का ऑक्सीजन मास्क निकाल लिया। तभी यहाँ पर स्कॉट भी पहुंचा हुआ था। उसे पता चलता है कि उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। वो जब ऑलिवर के पास आया तो उसका मास्क देखता है। ऑलिवर का मास्क उसके हाथ में था। सबको लगता है कि स्कॉट ने ऑलिवर को मार डाला। स्कॉट डर गया और वहां से भागने की कोशिश करता है पर पुलिस उसे पकड़ लेते हैं। सारी चीज़ों के लिए पुलिस उसे ही ब्लेम कर रहे थे क्योंकि जो एक्सप्लोड हुआ वो उसका ही घर था। मदर के गुजर जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी उसे ही मिलने वाली थी। स्कॉट के लॉयर के आ जाने के बाद सब कुछ सच सच वो पुलिस को बताने की कोशिश करता है पर वो मान नहीं रहे थे। तो तभी वहाँ पर केली आ गई। केली पुलिस को बताती है कि हॉस्पिटल में मैं भी थी। स्कॉट जब वहाँ पर पहुँचा तो ऑलिवर की पहले ही डेथ हो चुकी थी। केली पुलिस को बताती है कि सारा प्लान ऑलिवर का था, वो पूरी प्रॉपर्टी अपने लिए चाहता था। पुलिस फिर लॉयर से बात करते हैं और स्कॉट को छोड़ दिया जाता है। स्कॉट और केली जब घर पर आ रहे थे तो स्कॉट उसे कहता है, तुमने आज तक मुझे जो भी पता है मैं किसी भी चीज़ पर बिलीव नहीं कर सकता।
क्योंकि सब कुछ झूठ हो सकती है। केली कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हें अब सब कुछ सच सच बता दिया है, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, अगर ट्रस्ट नहीं तो प्यार भी नहीं होता। स्कॉट मानने के लिए रेडी नहीं था तो चलती गाड़ी से केली कूदने लग गई। स्कॉट उसे बचा लेता है पर बचाने में गाड़ी का इनका एक्सीडेंट हो गया। इसमें स्कॉट को ज़रा इंजुरी आई। केली उसे गाड़ी से बाहर निकालती है, कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। स्कॉट भी अब उसे माफ़ कर देता है। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। केली पहले तो रिवेंज लेना चाहती थी पर जब उसे स्कॉट से प्यार हुआ तब अपना माइंड वो चेंज कर लेती है। पर तब तक ओलिवर बहुत आगे चला गया था। ओलिवर को उसके किए की सज़ा भुगतनी पड़ी। और इसी के साथ आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन देने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।